नोम बुदो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना पसीना सिखाते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना पसीना सिखाते हैं। एक काल पर कोई मारेगा चाटा दूसरा बिगाल देना, जो कोई चाहे एक मिल जबरन दो मिल साथ जाना, एक काल पर कोई मारेगा चाटा दूसरा बिगाल देना, जो कोई चाहे एक मिल जबरन दो मिल साथ जाना, अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गरीब पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं, सिखाते हैं। जो दे काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, यीशु ने तुमको माफ किया है तुम सबको माफ करना, जो दे काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, यीशु ने तुमको माफ किया है तुम सबको माफ करना, अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग दे दे हैं, बैरी को भी तुम माफ करना मसीहा सिखाती है, दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद है। जय मसीह की सभी भाई बहन और ऑनलाइन में और यूट्यूब ने देखने वाला सभी संत लोगों को हमारा जय मसीह की। आज का खास परिचय है मैसेज का, ये मैसेज जो है आज आप लोगों को मैंने सुनाना चाहता हूँ, वो जो है जैसा दो बेदारी होता है, दो बेदारी, एक पेंटेकोस्ट का जो समय का बेदारी जो है हम बोलता है दुल्हन का बेदारी, और उसका पहले का एक बेदारी है। बहुत बार हम लोग इनके बारे में बताएं, आज हम लोग थोड़ा और भी गहराई में जाके बात करेंगे कैसा उस बेदारी में जुड़ास रहता है, जो बेदारी पेंटेकोस्ट का पहले का जो बेदारी है वहाँ पर जुड़ास का जुड़ा रहता है, उनको भी आशीष मिलता है।
मगर पेंटेकोस्ट का जो बेदारी है वहां पर हम देखता है जो सच्चाई मनुष्य पुत्र का प्रकाशन को पाए हुआ जो लोग उधर रहता है। ये दोनों का भी व्यत्यास और खास करके मैं हाईलाइट करते हैं जूडास के बारे में, कैसा जूडास आ, इसलिए उसका टाइटल भी मैंने ऐसा रखा जो टाइटल जो है जूडास हैड ए ग्रेट मिनिस्ट्री, महान सेवक है जूडास का पास था, बहुत बड़ा सेवक है, मगर वो विफल हो गया पेंटेकोस्ट का आशीष को पाने के लिए। वो एक बात, और उसके लिए परमेश्वर ने हमको क्या बोलता है स्क्रिप्चर दिया, और हम लोग वो स्क्रिप्चर को भी पढ़ेंगे, और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आइए हम लोग खोलेंगे मार्क का सुसमाचार, मार्क का सुसमाचार छठवां अध्याय, मार्क का सुसमाचार छठवां अध्याय 7 से लेके पढ़ेंगे। मार्क का सुसमाचार छठवां अध्याय 7 से पढ़ेंगे। एंड ही कॉल्ड अनटू हिम द 12 एंड बिगन टू सेंड देम फोर्थ बाय 2 and 2 and gave them power over unclean spirits and commanded them that they should take nothing for their journey save a staff only, no scrip, no bread, no money in their purse, but be shod with the sandals and not put on 2 coats. And he said unto them, in what place soever you enter into an house, there abide till you depart from that place. And whosoever shall not receive you nor hear you when you depart thence, shake up the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. And they went out and preached that men should repent. And they cast out many devils and anointed with oil many that were sick and healed them. स्वर्गीय पिताजी, पढ़ा हुआ वचन के ऊपर आपका आशीष होने दें। धन्यवाद है प्रभु, बहुत सालों के पहले प्रभु आपने ये बातों को कर दिया। ये लोगों के बीच में जूडास भी था, वो भी आपका आपसे सामर्थ्य को पाते हुए, आपसे पावर को पाते हुए वो भी निकला, और बाकी आपका 6 लोग भी था, 12-6 लोग में जूडास भी एक था प्रभु। आज हमको हमको और भी गहराई में हम जाना चाहता है प्रभु, ये वचन का पूरा प्रकाशन को हमको दे देना, ताकि हम कभी भी आपसे आपसे अलग ना होए प्रभु। आपका प्रेम को हम कभी भी भूल नहीं सके, क्योंकि ऐसा प्रेम ये पृथ्वी में कोई भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद है प्रभु आपका ये उपस्थिति के लिए, आपका ये उपस्थिति हमारे जीवन में हमको बहुत कुछ कर दिया प्रभु, बहुत आशीष को दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करता है। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद। अभी मेरा प्यारा भाई और बहनों इधर सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इधर देख सकता है ये बात इस अंतिम दिन में भी हो गया। यहां पर हम देख सकते हैं 2 तरीके का सामर्थ्य और 2 तरीके का सामर्थ्य, 2 अलग-अलग समय पर। एक तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में रहने के समय पर अपना 6 लोगों को, अपना लोगों को उन्होंने ये सामर्थ्य दे के भेजा, बाइबल में ऐसा बोलता है,
मार्क का सुसमाचार, भूत और प्रेत को भगाने का, और वहां पर भी वो लोग को पश्चाताप में लेके आने वाला, ये सब कुछ है। उधर भी रिपेंटेंस था, वो लोग को आप प्रचार करते हुए रिपेंटेंस में लेकर आओ। और बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है इधर, वॉयस वो है वहां पर, एंड दे वेंट आउट एंड प्रीच्ड द मेन शुड रिपेंट। वो लोग को प्रचार किया पश्चाताप के लिए, पश्चाताप के लिए। और ये इस तरफ का जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना 12 चेले लोगों को ऐसा सामर्थ्य देते हुए, हम बोलते हैं इसको टेम्पररी, तात्कालिक एक सामर्थ्य, टेम्पररी आ पावर और सामर्थ्य देते हुए भेजा। बिना सामर्थ्य से वो लोग कुछ नहीं कर सकते, यीशु मसीह ने वो लोगों को भेजा, क्योंकि यीशु मसीह के साथ वो सामर्थ्य था, यीशु मसीह के साथ वो सब कुछ था। इधर यीशु मसीह खुद उन लोगों को भेजा, मगर इधर देखो प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ने के बाद, उनका मौत होने के बाद, वो पुनरुत्थान पाते हुए उठ के आने के बाद, वो बात अलग है। वो बोलता है अभी मैं जा रहा है आपका अच्छा, आप लोगों का अच्छा के लिए, मगर मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा और तुम लोग इसके लिए जेरूशलेम में इंतजार करना पड़ेगा, और बाद में तुम लोग मेरा गवाही बनेगा जेरूशलेम, जुड़िया, समारिया और पृथ्वी का कोने कोने पर आप लोग मेरा गवाही बनना चाहिए। वो एक अलग है, ये भी अलग है, वो भी अलग है, उधर वो बात अलग है, मगर इधर हम देखेंगे ये जो बेदारी है, ये जो बेदारी, इसको भी बेदारी बोल सकता है। बहुत भूत और प्रेत को भगाया, और वो लोग का रिपोर्ट को हम लोग आगे में देख सकता है। वो लोग बोले प्रभु यीशु मसीह के पास आके, हाँ बहुत चमत्कार को हम लोग ने किया, बहुत भूत प्रेत को हम लोग ने भगाया, बहुत कुछ किया। प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दिया मालूम है? अभी एक तारा ऊपर से नीचे गिरने का मैंने देखा। बोलेगा साटान, ये बेदारी में साटान भी है। बोलेगा तो साटान किसका अंदर था? जूडास का अंदर था, क्योंकि ये जो बेदारी में जूडास भी था, वो भी वो भाग लिया वयस, और ये जूडास ये बेदारी में था, और जूडास ये बेदारी को पाया, और जूडास भी बहुत कुछ किया, भूत और प्रेत को वो भी भगाया, वो भी प्रचार किया, वो भी मीटिंग लगाया, उनका भी वो भी सब कुछ कर दिया, बहुत महान सेवकाई को खोला उन्होंने। और मैंने बोलता है वो जूडास के लिए बनाया हुआ बेदारी था, हालांकि पीटर था, जेम्स था, जॉन सब लोग था, 12 चेले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बुला के सामर्थ्य दे के भेजा। अभी 12 चेले लोग में एक जो था जूडास, उनको भी प्रभु यीशु मसीह छोड़ने, उनको भी उधर उनका हिस्सा देते, उनको भी भेजा, सबको भेजा। क्या ये बात उस दिन में उसी समय उस दिन में उधर ही हो गया? नहीं, आज भी इस अंतिम दिन में भी सेम टू सेम हम देख सकता है वही बात आज भी हो गया अंतिम दिन में, आज भी मैं बोलता है। क्योंकि जूडास, हमको मालूम है जूडास का माइंड में खाली पैसा घूमता था, पैसा के लिए वो करता था। मैं आगे में उसका कोर्स को चर्चेजस का किताब में से मैं पढ़ूंगा। वो उन्होंने क्योंकि उनका मन, उनका आंख सब पैसा का ऊपर था, वैसे वचन का ऊपर नहीं था, वचन के लिए नहीं था, क्योंकि वो इन बेदारी से, इन चंगाई से पूरा पैसा इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वो ट्रेजरर भी था, वो मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा को पाया हुआ व्यक्ति था, और किसी को नहीं वो जगह। आज हम लोग देखता है इस अंतिम दिन में 1906 में वैसे ही सामर्थ्य आ गया विलियम सीमोर के ऊपर, अजुसा स्ट्रीट में पवित्र आत्मा गिरा, सामर्थ्य मिला, भूत और प्रेत को भगाया। इसमें
बहुत बड़ा संस्था बनाया गया, वो जो है पेंटेकोस्टल लोग, नामदारी पेंटेकोस्टल, वो लोग बहुत रिच है। इसलिए लवदोशे का चर्च का एज में बोलता है तुम बहुत अमीर है, बहुत कुछ है, मगर तुम नंगा है, तुम अंधा है, तुम दलिंदर है, तुम कुछ भी नहीं है। और वो जो है बेदारी पेंटेकोस्टल लोग जूडास है, एल्विस प्रिस्ली और अनेक अनेक लोगों को हम देख सकता है, ये लोग गाना गाने का एल्विस प्रिस्ली बाय ब्रैनम बोलता है, जूडा से कैडिलक कार को परचेज किया, बहुत भयंकर अमीर, पैसा कमाने वाला बेदारी, पैसा कमाए वो लोग। वो पूरे का पूरा जूडास का महान मिनिस्ट्री था वो वयस। और इतना नहीं, आगे जाते हुए बाय ब्रैनम भी क्या किया, उसी समय में बाय ब्रैनम को प्रभु ने भेजा, बाय ब्रैनम आया और बाय ब्रैनम भी वही सामर्थ्य, बाय ब्रैनम के पास असली पेंटेकोस्ट का सामर्थ्य था, जैसा यीशु मसीह के अंदर जो पवित्र, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलता है, प्रभु का राज इधर है बोला, क्योंकि वो प्रभु का राज जो है प्रभु यीशु मसीह के अंदर पूरे का पूरा था, वयस फुलनेस ऑफ द होली गोस्ट। इधर बाय ब्रैनम के अंदर भी फुलनेस ऑफ द होली गोस्ट, वो सामर्थ्य से उन्होंने क्या किया, बहुत लोगों को बुलाया और सर्प हाथ रखते हुए वो लोगों को भेजा सेवकाई के लिए। वो लोग सोचा यही हमारा पवित्र आत्मा, यही हमारा सेवकाई, यही जो है मिनिस्ट्री है। वो लोग सोचा, आज भी वही सोच में ये लोग है, आज भी झूठा थंडर का लोग वही सोचता है। बाय ब्रैनम ने पूरा कर दिया, बाय ब्रैनम ने खोल मेल कर सड़कों पर हाथ रख के उनको भेजा और अनपार्डनेबल सिन, वो एक मैसेज है। वो मैसेज में बाय ब्रैनम बोला, कोलमैन को और हंट को बुलाया और उनको सड़कों पर हाथ रखा और भेज दिया, बोला तुम लोग सातान का बंकर को पूरा नाश करेगा बोल के भेजा। वो लोग वही विश्वास को आज भी रखा, वो लोग वही बोलते हैं हमको मिला, हमको जबरदस्त पवित्र आत्मा मिला और कोई नहीं, बाय ब्रैनम ही हमको भेजा करके, ये सब चीज़ों से ये लोग आज भी है। और मैंने बोलता है ये जूडास का जो सेवक का ही, इनको बोलता है मैंने द मिनिस्ट्री ऑफ द जूडास, ये जूडास का सेवक है। इधर अच्छे लोग भी है, इधर दोनों भी मिलते हुए जनेन लोग भी है, मगर वो लोग इतना उसके ऊपर मन नहीं लगाता है, मगर जूडास पूरा फायदा उठाया, भयंकर पैसा कमाया। और आज देखो ये पेंटेकोस्टल का चर्चेस को देखो, सबसे ज्यादा रिच अमीर जो है ये पेंटेकोस्टल लोग, नामदारी पेंटेकोस्टल लोग, भयंकर पैसा का खजाना को रखा है ये लोग। मेरा फेर बैर बहनों, असली पेंटेकोस्ट का पेंटेकोस्ट ये लोग को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग का पूरा हो गया। जूडास भी वैसे ही, जूडास का भी वही हालत था, जूडास वही मिनिस्ट्री में था, जूडास वैसे जो जूडास उनका अंत पूरा पूरा पैसा का ऊपर ही था, वो सेवकाई में पैसा कमाया वो वयस, और इसलिए हिसाब रखता था वो। यीशु मसीह के पास एक स्त्री आके तेल का बोतल को पूरा डाली और उसको आराधन किया, उन्होंने क्या बोला, इनको गरीब लोगों को बांटते हुए बांटेंगे तो अच्छा था, क्यों इसको इतना वेस्ट करते हो, व्यर्थ करते हो, देखो पैसा का हिसाब रखने वाला वयस, बहुत भयंकर तरीके का जूड़ा से वो। और यीशु मसीह बोला गरीब लोग हमेशा है मगर दूल्हा हमेशा नहीं रहता है बोला वयस, ऐसा हम लोग देखता है। और बहुत लोग क्या सोचा मालूम है, ये बेदारी को देखते हुए, ये सब कुछ है क्योंकि यीशु मसीह भेजा है और कुछ भी नहीं है। जॉन द बैप्टिस्ट का लोग भी वही सोचा, सब लोग सोचा, ये बेदारी को देख के सब लोग वही सोच रहे हैं, आज भी वैसे है। बाय ब्रैनम ने भेजा हमको, वो लोग का मुंह में है ये साल, ज्यादा से ज्यादा मलाकी 4:5 का लोगों को देखो आप, मलाकी 4:5 का लोग वही बोलता है, वो सब उन लोग के पास बहुत कोर्स है कि किधर किधर बाय ब्रैनम ये अलग अलग संस्था का सेवक लोगों को बुलाता, और किसको ऑर्डर किया मालूम है, इनका मैसेज में रहने वाले को नहीं,
भाई ब्रैनम के मैसेज में रहने वाले को नहीं, अलग अलग चर्चस का, अलग अलग डिनोमिनेशन का, खास करके पेंटेकोस्ट का सेवक लोग बुलाते हैं, वो लोग के ऊपर हाथ रखते हुए अपना अपना जगह पर भेजा और बहुत छिन्न चमत्कार कर नकली कर दिया वो लोग। भाई ब्रैनम को दो खिंचाव को नकली कर दिया। इधर ये लोग भी ऐसे है, खास करके जुड़ास पूरा नकली करते हुए चिन्ह और चमत्कार को करने को शुरू किया और उससे पैसा मिला उसको और पैसा को जमा कर दिया, वो पैसा का लालची हो गया उसको। ये नामदारी पेंटेकोस्टल का जैसा वो लोग भी ऐसे पैसा का लालची में गिराए वो लोग। वो लोग को वचन नहीं चाहिए, वो लोग इंतजार नहीं किया, वो लोग को रक्षण नहीं चाहिए, वो लोग को सैल्वेशन नहीं चाहिए, वो लोग को बॉडी के नहीं चाहिए, वो लोग को रेवलेशन नहीं चाहिए, वो लोग को सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए ये सब करने के लिए। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो लोग के दिल को जानते हुए, यीशु मसीह पीटर के दिल को बराबर जाना, यीशु मसीह को मालूम है ये पीटर जो है रेवलेशन के लिए खड़ा हुआ आदमी है और बाकी लोगों को ये बाकी लोगों के बारे में भी यीशु मसीह को मालूम था, मगर उन्होंने क्या किया, ये लोगों को पेंटेकोस्ट आने वाला दिन का पेंटेकोस्ट से भी अलग करने के लिए एक योजना कर दिया। ये लोग का हृदय को जाना, उसमें जुड़ास को बहुत आशा था, कैसा यीशु मसीह इतना चमत्कार को कर दिया, असली गिफ्ट इधर ऑपरेट हो गया, असली हो गया, लंगड़ा को पैर आया, अंधे को आंख आया, भयंकर तरीके का ये मिनिस्ट्री को देख के जुड़ास का मुंह में पानी आ गया, लालची आ गया। और जुड़ास ट्रेजरर होने के नाते, ट्रेजरर होने के नाते यीशु मसीह बोलते थे मैं थोड़ा दिन के लिए, मैं थोड़ा दिन का मेहमान है, मैं थोड़ा दिन रहने वाला है। हाँ, और जुड़ास सोचा ये थोड़ा दिन का है, उसके बाद ये मिनिस्ट्री को मैंने चलाऊंगा और मेरे को चाहिए, इससे पैसा बहुत आता है। यीशु मसीह रहने का जैसा पेंटेकोस्ट के बाद पीटर के पास साइमन द सार्सरर गया, साइमन जादू ठोने वाला, साइमन जादू ठोने वाला, और मांगा मेरे को भी होली गोश्त दे, वो पवित्र आत्मा दे। वो पेंटेकोस्ट में आया हुआ जुड़ास का आत्मा था वो ऐसा, मगर पीटर ने उसको डांट के भगाया। पीटर ने बोला तू और पैसा नाश होने दो बोला, मगर इधर देखो प्रभु यीशु मसीह जाना। हाँ, वो उसको मालूम पड़ गया ये लोग आशा में बैठा है, कौन असली छह लोग नहीं है, पीटर जेम्स और जन बाकी लोग नहीं, बाकी ग्यारह लोग नहीं है, मगर जुड़ास, खास करके जुड़ास, उनके अंदर आशा था बहुत बड़ा मिनिस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट ऑपरेट होने के लिए, बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, बहुत बड़ा भूत और प्रेत को भगाने के जैसा ये सेवकाई के लिए उसके अंदर आशा था। प्रभु यीशु मसीह बराबर जाना, जैसा सफर के टेबल में यीशु मसीह जो बोला जिसको मैंने ये रोटी देता है वो मेरे को पकड़ के देने वाला, ऐसा उनको मालूम था, ये भी इनको मालूम था। आज भी ऐसा है, 1906 का जो पेंटेकोस्ट जो पवित्र आत्मा उतरा इसी बातों के ऊपर, क्योंकि प्रभु जानता था ये लोग दिन और रात प्रार्थना करता है, दिन और रात ये लोग का प्रार्थना है पवित्रात्मा के लिए, दान के लिए, गिफ्ट के लिए। ये लोग क्या क्या प्रार्थना के मामले में, गिफ्ट के लिए, और उधर रिपेंटेंस में आता है, ये बात अलग है, वो असली रिपेंटेंस नहीं। इधर बोलता है बाइबल में वो जाके वो लोग को पश्चाताप है, वो सच्चा पश्चाताप नहीं है, वो अलग पश्चाताप है। मगर पश्चाताप दो जगह में हम लोग देख सकते हैं, वो लोग को प्रचार करो और पश्चाताप में लेके आओ, बस वो पश्चाताप कुछ काम का नहीं है, वो पश्चाताप चंगाई पाने के लिए, वो रिपेंटेंस चंगाई पाने के लिए, वो रिपेंटेंस और बाकी कुछ के कोई काम के लिए नहीं है, अपना शरीर का चंगाई के लिए वो रिपेंटेंस था, वो पश्चाताप था। मगर प्रेरितों का किताब में एक्ट चैप्टर में 238 वहां पर एक रिपेंटेंस है, वो अलग है, वो रिपेंटेंस प्रभु का राज के लिए, पवित्रात्मा का बाप्तिस्मा के लिए वो रिपेंटेंस है। मगर ये जो रिपेंटेंस शरीर का चंगाई के लिए, कैन यू से आमेन? यस,
जो सुनता है वो उनको रिपेंटेंस करा दो। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दे। वो यस, मैं कोर्स बाद में पढ़ता हूं, मगर ये बातों को सुनिए आप लोग। हाँ, इधर जूडस है, ये बदारी में जूडस है। जूडस मेन आदमी है, बहुत प्रबल आदमी था इधर, मेन जूडस है। और मैं बोलेगा तो भी कम नहीं होएगा, ये जूडस का बदारी है, क्योंकि प्रभु को मालूम था जूडस ये बदारी के लिए थड़प रहा था, क्योंकि ये बदारी से जूडस पैसा कमाने को देखा। जैसा ये नामदारी पेंटेकोस्ट लोग आज बड़ा बड़ा सेमिनरी को बांधा, बड़ा बड़ा चर्चेस को, कैथेड्रल, इवन विलियम ब्रैनम का मैसेज का लोग भी, विलियम ब्रैनम के मैसेज का लोग और नामदारी पेंटेकोस्ट में कोई फर्क नहीं है। वैस काली एक वो पिता पुत्र बोलता है, ये यीशु मसीह का नाम रेवलेशन नहीं है, यीशु मसीह का नाम से प्रकाशन नहीं है, वही फर्क है। और मैंने अगर बोलेगा ये आखिरी का जो पेंटेकोस्टल बोलेगा 1906 अजुस्सा स्ट्रीट में उतरा हुआ वो पवित्र आत्मा जो है, वो मेरा प्यारा भाई बहुत बढ़िया बात है ये, वो पवित्र आत्मा अभी भी है, वही आत्मा। हाँ, वही पवित्र आत्मा अभी भी है, दान के लिए, चिन्ह और चमत्कार के लिए, यीशु मसीह का नाम से भूत और प्रेत को भगाने के लिए। वैसे बहुत बहुत बढ़िया संदेश है, और आज भी उसका ऊपर ये लोग है, और उसी का वजह से ये लोग बहुत पैसा को कमाया। इधर झूठा थंडर का लोग भी है, झूठा थंडर भी तेल लेके तेल डालते हुए वैसे वो लोग का मीटिंग में हम देखा, झूठा थंडर का लोग बहुत चिन्ह समय और दावा करता है हम भी छंगाई किया। ये सब विलियम ब्रैनम का दो नकली जो दो दान को असली दान को नकल करते हुए ये लोग करने वाले, ये जूडास का मिनिस्ट्री है। वो यस, और आपको मालूम है भाई ब्रैनम प्रेयर लाइन में ऑपरेट करने के समय बोला, आप पश्चाताप को रिपेंट करो, आप क्या किया नहीं तो बीमारी छंगाई नहीं होएगा। ये लोग बीमारी छंगाई होने के लिए पश्चाताप करता था। ये पश्चाताप एक बात बोलता है, बहुत बहुत खुशी लगेगा आपको, ये पश्चाताप जो है अपना शरीर छंगाई होने का पश्चाताप है। आज भी बहुत लोग वही करता है, अपना शरीर छंगाई होने के लिए पश्चाताप करता है, कैंसर से छुटने के लिए, अंधे आंख आने के लिए, लंगड़े को फेर आने के लिए ये लोग पश्चाताप करते हैं। ये पश्चाताप ये अलग है। हाँ, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। और मेरा प्यारा भाई और बहनों, ये सब बातों को आप सुनो। वो ये लोग पश्चाताप करते हुए, क्योंकि ये जूडास इधर मौजूद है, मैं बोलता है वही सामर्थ्य पेंटेकोस्ट का सामर्थ्य 1906 में उतरा हुआ, उसको भाई ब्रैनम आया वैसी तरीका से, इसलिए वही भाषा से भाई ब्रैनम ने बात किया, मालूम है वही भाषा से, क्योंकि वो लोग कैसा बोलते हैं, रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट। भाई ब्रैनम भी वही बोला, आप लोग पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, कौन सा पवित्र आत्मा है वो 1906 का पवित्र आत्मा के बारे में बोला, क्योंकि भाई ब्रैनम उसी समय में आया। और खास करके पेंटेकोस्ट, इसलिए ये लोग, मेरा प्यारा भाई बहन, ये लोग जो आने वाले दिन का बेदारी के बारे में ये लोग सोचता नहीं है, ये लोग का मन में नहीं है, हृदय में वो बात नहीं है। ये लोग भाई ब्रैनम दो तरीके से काम किया ये लोग, क्योंकि भाई ब्रैनम बहुत बढ़िया नबी, बहुत जबरदस्त नबी, जैसा यीशु मसीह किया वैसा भाई ब्रैनम भी किया। सेम मिनिस्ट्री में बोलता है, अलग नहीं है, वही मिनिस्ट्री, वही मनुष्य पुत्र का सेवकाई। ब्रैनम का ललकार जो है, शाउट जो है, वो मनुष्य पुत्र का सेवकाई है। वो यस वर्ड इधर नहीं है, दो चिन्ह और चमत्कार है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, अभी आप लोग सुनो, इधर झूठा थंडर के पीछे भागने वाला जरा सुनो,
झूठा थंडर आपको क्या, ये सब यही आत्मा को पाया वो लोग, वही 1906 का पेंटेकोस्ट को पाया, वही ब्रदर ब्रैनम आखिर में बाद में क्या बोलते हैं, लीडरशिप मैसेज और दो तीन मैसेज में क्या बोला, तुम लोग गैलन्स एंड गैलन्स पवित्र आत्मा का बापतिस्मा पा सकते हैं दिन में, कौन सा, और नरक में जाएगा बोला, बराबर बोला वो, क्योंकि उसको मालूम था जैसा यीशु मसीह बोला, ये इतना तक होएगा तो भी क्या हुआ, एक तारा ऊपर से नीचे गिरने का मैंने देखा बोला वो, द स्टार फॉलिंग फ्रॉम द हेवन, क्योंकि ये घमंडी लोगों का घमंड को देखा, जूडास का घमंड को देखा, सबका घमंड को देखा, ये लोग उड़ान करता था, वैसे बहुत खुशी करता था, बहुत खुशी मनाता था, वैसे क्योंकि जो पैसा आने का एक ही रास्ता है, चिन्ह और चमत्कार से बहुत पैसा कमा सकता है, हाँ चिन्ह और चमत्कार, आपको मालूम है ये चिन्ह और चमत्कार से ये लोग पैसा को जमा कर दिया, जूडास का लोग, जूडास को वही चाहिए, जूडास मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चिन्ह और चमत्कार का पैसा को इकट्ठा करने के लिए भाव बहुत कुछ किया वो जूडास, उधर वह मान मिनिस्ट्री को वो बेदारी में जूडास का बहुत बड़ा भाग था, यस आज भी वही है, ये लोग सब मैं बोलता है 99% 99% बोल सकते हैं 99% लोग, इवन विलियम ब्रैनम का मैसेज का, ये लोग नामदारी पेंटेकोस्टल का समान है, उसी तरीके में उसी स्टाइल में, क्योंकि भाई ब्रैनम उस समय में ये लोगों को आशीष करते हुए भेज दिया, बोला जाओ तुम लोग और सातान के भंकर को नाश करो, और चिन्ह और चमत्कार के सब कुछ एक लॉरी करके था हिंदुस्तान का पौलुस लॉरी, उनको भी वो बोला तेरे को इधर काम नहीं, जाओ हिंदुस्तान में करके प्रार्थना करके भेजा, इधर आके वो वही काम कर दिया, बाद में लहरी कृष्णा करके उसका मिनिस्ट्री को नाम हो गया लहरी कृष्णा, वो सच्चाई में नहीं था, ये सब बहुत चिन्ह और चमत्कार, पौलुस लॉरी बोलेगा तो भयंकर उसका प्रोडक्ट जो है दिनाकरण है, पौलुस लॉरी का जो प्रोडक्ट बोलेगा तो पौलुस लॉरी ने दिनाकरण को DGS दिनाकरण को बाप्तिस्मा दिया यीशु मसीह के नाम का, और देखो यीशु मसीह के नाम का ही बाप्तिस्मा क्या फायदा है, ये लोग के पास सच्चाई नहीं है, वचन नहीं है, ये लोग दान के लिए खड़ा हुआ जूडास लोग है, पौलुस लॉरी जूडास था, दिनाकरण भी जूडास था, ये सब लोग कोलमैन भी जूडास था, वैसे केविन ब्रूट भी जूडास था, ये सब जूडास लोग है, ये जूडास का बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, वही यीशु मसीह ने सामर्थ्य दे के भेजा पेंटेकोस्ट का इस तरफ, वैसे उसमें अच्छे अच्छे लोग भी है, मगर वो लोग मेरे प्यारे भाई बहनों पीटर जेम्स जॉन, हालांकि वो लोग गया अच्छा हृदय से गया, मगर वो लोगों का मन अलग था, वो लोग इसलिए बोला हम आपको छोड़ के खा पर जाए, आप ही के पास अनंत काल जीवन का वचन है, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हम आपको छोड़ के खा पर जाए, आप ही के पास अनंत काल जीवन का वचन है, कितना बड़ा बात है, मगर क्या जूडा सही से बोला, जूडा सही से नहीं बोला, वैसे जूडा सही से नहीं बोला, जूडा से मेरे प्यारे भाई बहनों वो अलग टाइप का एक आदमी था, और उन्होंने मेरे प्यारे भाई बहनों ये बेदारी की बेदारी में बहुत बड़ा हिस्सा को ले लिया, वो बहुत बड़ा हिस्सा जूडास का बहुत बड़ा हिस्सा था, आज भी वही स्थिति है, आज क्या अलग नहीं है, वही प्रभु यीशु मसीह, वही जूडास नहीं तो उसका आत्मा दो गुना तीन गुना ज़्यादा आ गया, पेंटेकोस्टल वाले से शुरू हो गया, और मैंने एक बहुत बड़ा बात बोलना चाहता हूँ, यही लोग मेरे, क्योंकि भाई ब्रैनम ने जो भेजा वो लोग अलग अलग डिनोमिनेशन का, खास करके पेंटेकोस्ट का लोगों को भेजा, बाद में वो लोग क्या किया, भाई ब्रैनम के नाम को ले लिया, और वो लोग मैसेज में खड़ा नहीं था जैसा कोलमैन भाई ब्रैनम का मैसेज में खाली ऊपर देखा, मगर मैसेज में नहीं है, वो लोग मैसेज का कुछ भी मालूम नहीं है, भाई ब्रैनम का मैसेज को देखा भी नहीं, अपना ही मन मर्जी का अनुसार वो लोग चलता था,
और विधर्मी लोग था, आपको मालूम है जूडास एक विधर्मी था, विधर्मी फॉल्स प्रॉफिट था जूडास, झूठा शिक्षा को देने वाला था और लालची था उसके अंदर, पैसा का लालची। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री को देखा, नकल करने को देख रहा था, मगर यीशु मसीह ये सब जानते हुए जानबूझ के भेजा, उसको बोलता है जानबूझ के। इसलिए 1906 का जो बेदारी है प्रभु ने जानबूझ के दे दिया, चलो लेके जाओ क्योंकि तुम्हारा आशा है पूरा होने दो, तो जो पैसा करता है करो क्योंकि यीशु मसीह के नाम से वो लोग। मेरे प्यारा भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम से भूत और प्रेत को भगाने के लिए परमिशन दिए, नाम से भगाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। मगर वो यस, वो नाम, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर, अभी तक वो बाप्तिस्म नहीं, वो जनियन बैप्तिज्म। मगर ये लोग दान के लिए खड़ा था, दान का लालची करता था, दान ये लोग को मांगता था। ये लोग पहले का पेंटेकोस्ट का दान को देखा, अंधा अंधे को आंख आना, लंगड़े को पैर आना, ये सब देख के मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आशा को प्रभु ने पूरा कर दिया। इस अंतिम दिन में बेईसा है, ये आशा को परमेश्वर ने पूरा कर दिया भाई ब्रैनम का द्वारा। भाई ब्रैनम आखिरी में आते हुए वयस आखिरी में वो भाई ब्रैनम प्रभु ने वही पेंटेकोस्ट का समय में भेज दिया। उसका जन्म उसी समय में हो गया, 1906 में उसी समय में उसका जन्म हो गया भाई ब्रैनम का। और आगे आते हुए वही काम कर दिया, सबको बुलाया और रिसीव द होली गोस्ट बोल के वो हाथ रख के प्रार्थन किया और भेज दिया वो लोग को। आज भी वो लोग हमारा बीच में, बहुत बहुत लोग बुढ़े हुआ होएगा तो भी क्या हुआ, हाँ कोलमैन विलियम ब्रैनम का मीटिंग में वही आशीष को पाया, कोलमैन के ऊपर हाथ रखा, हंट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया भाई ब्रैनम, और उसी को लेके ये लोग बहुत बड़ा दावा करता है। हाँ मैं उनका बारे में मैं यूट्यूब को पब्लिश किया, मालूम है 2-3 दिन का पहले, जबरदस्त यूट्यूब को मैंने इंग्लिश में पब्लिश किया। और आप लोग को मांगते हैं देखो क्या बोला मैंने उसमें, झूठा अपोस्तल है वो, झूठा नबी है ये सब, मेरा फेर बैर बहन भयंकर तरीका में मेरा फेर बैर बहन। हाँ, और इसलिए मैं बोलता है अभी जो आप लोग देखते हो, अभी मैं इस घड़ी में आप लोग देखते हो, ये लोग बोलता है आउटपोरिंग के जैसा चीज नहीं है, अभी टोकन नहीं है, वो ऐसे कैपस्टोन आने का नहीं है, सब हमारा ऊपर है, अभी सब हमने भाई ब्रैनम ने हमको भेज दिया। हाँ पेंटेकोस्ट का हालत देखो, वही पेंटेकोस्ट अभी इधर आ गया, मालूम है वो पेंटेकोस्टल इधर आ गया, विलियम ब्रैनम का मैसेज का अंदर आ गया, विलियम ब्रैनम का मैसेज के अंदर, वो दावा करने वाला के अंदर, ये पेंटेकोस्टल का दामदारी, पेंटेकोस्टल का आत्मा इधर आ गया। वही डेविल, वही सातान, वही तरीका, वही जूडास, सब जूडास लोग इधर आके कट गए। क्या पैसा देखो, जगह खरीदना, पैसा कमाना, डॉलर से डॉलर ये लोग कमाता है वयस, ये सब जूडास का जो सेवक का ही है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। सुनिए इधर चर्च एजस का किताब इंग्लिश में 311 में मैं पढ़ना चाहता हूं, दैट स्पिरिट दैट वॉज इन जूडास, वो आत्मा जूडास के अंदर था, वेंट राइट अलोंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, वो सीधा यीशु मसीह का सेवकाई में आके आया। देखो जो जूडास का आत्मा जो है सीधे का सीधा आके यीशु मसीह का सेवकाई में आया। देन दे बोथ केम टू द क्रॉस, वो दोनों भी क्रॉस में गया। सही बात बोलता है, जीसस वॉज हैंग्ड अपॉन द क्रॉस, यीशु मसीह ने मसीह को सूली पर लटका दिया, gladly giving his life for sinners, पापी लोग के लिए अपना जीवन को दे दिया, and commended his spirit to God, प्रभु को अपना आत्मा को दे दिया, his spirit went to God, उसका आत्मा प्रभु के पास गया, and then was poured out into the church at Pentecost, Pentecost का दिन में वो वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर आ गया। Praise be the name of the Lord. But Judas,
hanged himself and his spirit went back to Satan. Judas भी ऐसे जाड़ में जाके खुदकुश कर दिया, सुसाइड कर दिया, रस्सी लेके अपने आप को खुदकुश कर दिया। उनका आत्मा सैतान के पास गया। किसका पास गया? सैतान के पास। ये सब मिरेकल मेकर्स है, ये सब पैसा कमाए वो लोग, अनकोट बोलता है, ये सब लोग, ये सभी लोगों का आत्मा एक दिन सैतान के पास जाएगा। ये सब लोग भूत और प्रेत को भगाने वाला लोग है, अपना अंदर भूत और प्रेत को रखते हुए बाकी लोगों का भूत और प्रेत को भगाने वाला लोग है। जूडा से एक बहुत बड़ा भूत और प्रेत से भरा हुआ व्यक्ति था, मगर और दूसरे का भूत और प्रेत को भगाता था वो, मगर मालूम है वो भूत और प्रेत हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? अरे वे हमारा पिता तेरा अंदर है और हमको भगा, वो खेलता था वो। हाँ, बट आफ्टर पेंटेकोस्ट, और पेंटेकोस्ट के बाद में दैट सेम स्पिरिट दैट वॉज इन जूडास केम बैक टू द फॉल्स वाइन। वही आत्मा जूडास के अंदर जो आत्मा था वो पेंटेकोस्ट के बाद वही आत्मा आ गया वापस, और जूटा वाइन बोलेगा तो द्राक्षा जूटा चर्च में आया। That grows right along with the true wine. वो साथ ही साथ बड़ा होने को शुरू हो गया। But notice Judas spirit never got to Pentecost. Amen. अभी देखो Judas का आत्मा Pentecost को बिल्कुल नहीं पाया। Amen. Unquote. अभी इधर थोड़ा मेरे को बात करना है। Judas का Judas का आत्मा कभी भी पेंटेकोस्ट के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि जूडास के पास वचन नहीं है। जैसे कोलमैन के पास वचन नहीं है, विंड एलन और अनेक अनेक लोग ये लोग के अंदर वचन नहीं है, ये सब जूडास का आत्मा से भरा है। ये लोग को पैसा चाहिए, डॉलर कमाने वाला, पाउंड कमाने वाला, केविन ब्लूइट, ये सब लोग वैसे, ये सब नामदारी पेंटेकोस्टल लोग हैं, और ये लोग दावा करते हैं हमको सब कुछ हो गया। हालांकि सही बात है, जो जूडास को भी वही सोचा, हमको सब कुछ मिला, हमको सामर्थ्य मिला, यीशु मसीह सामर्थ्य दे दिया, अभी पैसा कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है हमको, आराम से पैसे कमा सकता है, चिन्ह और चमत्कार से हमको बहुत पैसा मिल जाएगा। ये थोड़ा दिन का मेहमान है यीशु मसीह, ये मरने के बाद ये सबको हम कंट्रोल करेगा, सब कुछ हमारे हाथ में। अभी ये जूडास का सोचता, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। पेंटेकोस्ट जूडास के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग आश्चर्य मत हो जाओ अगर वो लोग बोलेगा हाँ हमको आउटपोरिंग नहीं है, हमको टोकन नहीं है। सचमुच में नहीं है वो लोग को टोकन, जो दावा करता है, जो विलियम ब्रैनम का मैसेज में रहते हुए ऐसा बोलते हैं हमको टोकन नहीं है। हाँ, आपको मालूम है एक डिवाइडिंग लाइन आता है, बाद में मैं बताता है, प्रभु ने मेरे को याद दिलाया अभी, कैसा वो लोग भीख मांगता है तेल के लिए, कैसा वो लोग तेल के लिए भीख मांगता है। कभी जनियन पवित्रात्मा का बापतिस्मा होने से, रियल पवित्रात्मा का बापतिस्मा टोकन आउटपोरिंग ऑफ द होली गोस्ट मिलने से, ये मूर्ख खुआरी लोग आके थड़पेगा वो लोग, तभी क्या बोलता है, जाओ उधर भेजने वाला कौन? यही पवित्र आत्मा को भेजने वाला, यही जो मिराकल मेकर्स लोग है, चिन्ह और चमत्कार उस समय भी वो लोग है। इधर एक जनियन पवित्र आत्मा का बापतिस्मा होता है, एक नकली उधर है वयस, और दुल्हन क्या बोलता है, जाके उनसे ले हो तुम, हाँ मौकरी करता है, मौकरी जाओ। तभी समय था असली मैसेज को सुनने के लिए, तभी समय था ये सब परमेश्वर का वचन को सुनने के, तुम नहीं सुना। अभी जाके वही भेजने वाला 1906 का जो पवित्र आत्मा का जैसा, जो पवित्र आत्मा ये झूठा चर्च, उसको बोलता है झूठा चर्च, कौन बेचता है वो? झूठा चर्च बेचता है, और जाके उससे ले। हमारे पास नहीं है, हम
हमारे पास हमारे लिए हमके लिए जो है वही है और बाकी नहीं है हमारे लिए। वयस यही हालत है ये लोग का। वयस मूर्ख कुआरी मेरा फैर बैर बहन वो भी ऐसा है, मगर ये लोग मेरा फैर बैर बहन जुड़ास लोग है। और ये लोग अभी क्या बोलते हैं, हमको सब कुछ मिला, हमको टोकन की जरूरत अभी नहीं, टोकन सब मिला हमको। भाई ब्रानम का इवन जोसेफ ब्रानम भी वही बोलता है, हमको सब मिला। ये लोग सब एक ही कैटेगरी का लोग है, पैसा कमाया ये लोग, मांगता उतना पैसा को कमाया, जगह को खरीद लिया, कितना जगह है ये लोग के पास, कितना गाड़ी का लाइन है। वैसे इनकम टैक्स को पे करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग इनकम टैक्स को फंसाता है, क्रिमिनल लोग है। विंडायरन एक दब तीन गुना ज्यादा जुड़ा से वो फ्री रॉड में होते हुए, वैसे वैसा डाल्टन ब्रूस भी कम नहीं है, वो भी छुड़ा से, क्योंकि वो मैसेज को पूरा छुपाया अपना लाभ को देकर। क्यों छुपाया डाल्टन ब्रूस मैसेज को? अपना लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए। न्यू इंग्लैंड में एक चर्च बनाते हुए, अमीर लोगों को इकट्ठा करते हुए, एक बार मेरे को एक बिजनेस आदमी का फोटो दिखाया, बहुत बुढ़ा है, बोला ये ईवोडिच के लिए यही पैसा देते हैं, अभी इनका पैसा अभी मरने के बाद गवर्नमेंट अभी लेगा, बोला वो। बहुत दुखी बात करता था, दुखी का बात दुखी बात करता था। क्यों क्यों ऐसा? ये लोग सब कौन है? ये लोग मॉडर्न जुड़ास लोग है, ये लोग अभी के जमाना का जुड़ास लोग है। ये लोग का मिनिस्ट्री बढ़िया है, जैसा डॉक्टर बुश दावा करते हैं 2000 हमारा सभा है, तुम्हारा पास क्या है पुत्र है? मेरे को ठीक बात बोलो, वो 2000-3000 और हिसाब करो। वो लोग का टाइटर ऑफरिंग हर एक जगह का चर्च का इकट्ठा करते हुए अमेरिका और ट्रिनिडाड जगह खरीद के आधा ट्रिनिडाड को कब्जा किया उन्होंने। वैसे तीन गुना ज्यादा वैसे जुड़ा से। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वैसे ये लोग कम का नहीं है। विंड आयलन होने दो और बाकी सारा लोग होने दो, ये सब मॉडर्न जुड़ा से, अभी का समय का जुड़ास लोग है लोग। ये लोग पैसे के ऊपर लालची है, पैसे को कमा के। वॉयस मिनिस्ट्री का ऊपर लालची नहीं है। ऐसा होता तो ये लोग गरीब लोगों को भी याद करता था। डाल्टन ब्रूस आखिर में क्या किया? हिंदुस्तान का जो चेन्नई में जो पंजाब का जो अमीर लोगों को पकड़ के इधर अपना ठिकाना बना दिया, ठिकाना। ऐसा व्यक्ति है वो जो पसीना उठा के उनका गलत शिक्षा का गलत मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट किया, हालांकि वो गलत मिनिस्ट्री था। हमको क्या मालूम था तभी, हमको अभी हमारा आंख खुलासा हो गया। बोलो के लिए पेंटेकोस्ट नहीं है, जैसा भाई लैम्बर्ट बोला, दे प्रीच टोकन बट दे आर नॉट बॉर्न अगेन, बोला। वो लोग प्रीच करता है मगर बॉर्न अगेन नहीं है। क्या जुड़ा सुना नहीं? जुड़ा सुना नहीं? यीशु मसीह बोला हुआ प्रभु का राज के लिए नए जन्म पाने का मैसेज जुड़ा सुना हो, मगर जुड़ास का हृदय उसके लिए नहीं था। जुड़ास का हृदय पैसे के लिए बनाए हुआ हृदय था, पैसा का ऊपर उसका अंक था। वो ऐसे पैसा को छाता था, पैसा को छाड़ता था वो। इट नेवर वेंट में कोर्स पढ़ता है, इट नेवर वेंट अप टू रिसीव द होली स्पिरिट। वो कभी भी पवित्र आत्मा को पाने के लिए नहीं गया, इट कुड नॉट, वो नहीं है। बट व्हाट डिड दैट जुडास स्पिरिट गो फॉर? जुडास का आत्मा किसके लिए गया? इट वेंट फॉर द बैग ऑफ गोल्ड। वो सोने का बैग के लिए गया, सोने का बैग बोलेगा पैसा डॉलर, वचन के लिए नहीं है। इसलिए वो लोग बोलता है टोकन नहीं बोलता है, वो लोग बोलते हैं आउटपोरिंग की बात ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं पेंटेकोस्ट का सामर्थ्य सब हो गया, हमको सब मिल चुका है। क्यों बोलता है ऐसा? ये लोगों का लालची जो है पैसा का थैली का ऊपर, गोल्ड का सोने का थैली का ऊपर। हाउ इट लव्ड मनी, कितना प्यार किया पैसा को। इट स्टिल लव्स मनी, अभी भी पैसा को प्रेम करता है, अनकोट। जुड़ास का पूरे का पूरा प्रेम पैसा का है।
पैसा को प्रेम करने के लिए भाई ब्रैनम का मैसेज को प्रचार करना पड़ेगा, पैसा को प्रेम करने के लिए भाई ब्रैनम के नाम को लेना पड़ेगा। बिना नाम लेते हुए पैसा कमा नहीं सकते। ये लोग पूरा सभा अपना सेवक का अपना मिनिस्ट्री को भाई ब्रैनम के नाम से खोला, जैसा मैंने गया समय में बोला, उसका मैसेज भी मैं प्रचार करूंगा। हमको खाली आपका नाम चाहिए, बाकी सब हमारा है। सात औरत लोग पकड़ते हुए एक व्यक्ति को बोला, तेरा नाम हमको चाहिए बस। ऐसा ये लोग हैं, विंडाइल होने दो, उनका बाप होने दो, उनका बेटा होने दो, उनका पोता होने दो, ना केविन ब्लूट ना कौन सा ब्लूट है। ये लोग सब एक ही क्लास का लोग हैं। ये लोग खाली नाम लेता है भाई ब्रैनम का, ये लोग खाली नाम लेते हैं, मगर बाकी सब ये लोग का है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए ये लोग सोने के ऊपर अपना बिस्तर को डालते हुए सो रहा है। ये लोग का हालत ऐसे है, बहुत पैसा उड़ाता है। इंडिया का भिखारी लोग, कुछ भिखारी लोग हिंदुस्तान में, क्योंकि ये लोग भिखारी लोग हैं। ये लोग क्यों उसको मीटिंग बनाया, छत्तीसगढ़ में क्यों इनको मीटिंग ले? भिखारी होने से, मैसेज सुनने के लिए नहीं है, भिखारी लोग हैं ये लोग, भीख मांगने वाला है ये लोग। अरे भाई, प्रभु से भीख मांगो, जैसा बाइबल में बोला है। एक औरत आके भीख मांगा, हाँ भीख मांगो तुमको दिया जाएगा, टोकन के लिए भीख मांगो, और डॉलर के लिए क्यों भीख मांगते हो भिखारी? ये भिखारी लोगों के लिए ये मिनिस्ट्री ठीक है। जुड़ास भिखारी के बारे में सोच रहा था मालूम है, जुड़ास भिखारी को सोचा, कभी इतना महंगा तेल को लाके वो औरत यीशु मसीह के फेर में लाके डाली, तभी वो जुड़ास का मन में भिखारी के बारे में याद आ गया, क्योंकि अभी भी वो भिखारी को सोचता है, भिखारी को देता है, क्योंकि भिखारी मेरा फेर फेर में भिखारी पैसे के लिए खड़ा है। ऐसा भिखारी के लिए ये जुड़ास अभी कभी कभी सोचता है वयस। और ये सब छट्टे बट्टे लोग, इधर छट्टे बट्टे लोग जो है इधर उधर, ये सब भिखारी के लोग हैं, ये सब भिखारी लोग हैं। अपना आप तो भेज दिया, ये लोग खाना खाया, तीन दिन मीटिंग, चार दिन मीटिंग में पैसा मिला। ये डाल्टन बुश भी वही करता था, मीटिंग में बुलाता था, बहुत भिखारी लोग इधर आया, हमारा मुल्की में आया, बहुत भिखारी लोग है, वचन के लिए नहीं आया था, हमारे हमको बर्बाद करके गया वो लोग। अभी हमको पश्चाताप होता है, ये भिखारी को हम लोग कवर के अंदर पैसा डाल के देता था, हंस हंस के निकलता था। ये सब भिखारी का बिजनेस है, ये जुड़ास का मिनिस्ट्री है। जुड़ास पैसे से एंटरटेनमेंट करता है, जुड़ास को पैसा चाहिए, जुड़ास को सोना चाहिए, जुड़ास को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। ये जुड़ास उसी में है, उसका मन पूरा पैसे के ऊपर है, ये जुड़ास का मिनिस्ट्री है। क्या न्यूज से मैं वयस, हाँ, क्योंकि उन लोग को मालूम है, हिंदुस्तान में भिखारी लोग बहुत है, अफ्रीका में भिखारी लोग बहुत है। ये भिखारी लोगों के लिए ये लोग आके इधर मीटिंग लगाता है, क्यों कौन सा प्रेम है वो तुम्हारा, हाँ कौन सा थंडर को लाके इधर डालते हो? ये भिखारी को देके आते हो, पैसा फेंकते हो और चर्च बनाते हो, और कुछ लाभ नहीं है भिखारी लोगों से पैसे नहीं। ये लोग उधर से जमा करके भिखारी को लाके डाल देगा, ये सब भिखारी लोग विश्वासी लोग नहीं है। जैसा डाल्टन बुश को कुछ बहुत भिखारी लोग हैं, ये लोग सब भिखारी है, वचन का प्रेम नहीं है। अगर वचन का प्रेम होता तो ये लोग उस तरफ नहीं देखता था। ये लोग को मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर ने ऐसा तरीका का मैसेज को हिंदुस्तान को भेजा, हमारे पास आया। हम आत्मिक भिखारी था, प्रभु से मांगा हम लोग, प्रभु मांगने से प्रभु दे दिया। जैसा मैसेज हमारे पास आया भाई लैम्बर्ट का, वैसे ही टोकन भी आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। हाउ मेनी से मैन प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। वयस अभी भी वो लोग, इट गोस अबाउट इन द नेम ऑफ जीसस डूइंग माइटी थिंग्स, जैसा यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं वो लोग, एंड होल्डिंग ग्रेट मीटिंग्स, बड़ा बड़ा, देखो क्या बोला, बड़ा बड़ा मीटिंग को रखता है ये लोग, अनकोट। हाँ, यीशु मसीह के नाम से बांध खारे को, काम को करेगा। जुड़ास भी वही किया,
यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़ा बड़ा काम किया, बड़ा बड़ा मीटिंग को रखा। ये लोग बेईसा है, बड़ा बड़ा मीटिंग, ये चर्चे जिसका किताब में से मैं पढ़ रहा है, ये मेरा नहीं है। भाई ब्रैनम बोला बड़ा बड़ा मीटिंग को बनाया, बड़ा बड़ा मीटिंग को रखा, हाँ 3 दिन का 4 दिन का बिरयानी किरयानी सब कुछ खिलाया। मेरा प्यारा भाई बहनों, इट स्टिल मेक्स मोर ऑफ मनी, अभी भी ज्यादा पैसा कमाता है। एंड बिल्डिंग्स सब बांध रहे हैं लोग। एंड एजुकेशन, एवरीथिंग विद द मटेरियल कंसेप्ट, पूरा मटेरियल, पूरा कार, मोटर कार, घर, हाईटेक घर, हाईटेक चीज। वॉयस, जस्ट वॉच दैट स्पिरिट, वो आत्मा को देखते रहे, वो दैट इज अपॉन देम, वो लोग के ऊपर है। डोंट बी फोल्ड, ऐसा मूर्ख मत हो जाना, देखो मैना ये लोग को बराबर देखो, बराबर ऑब्जर्व करो, वो केविन ब्लूइट हो और थियो वोविट हो और केनी और ये विंड आयलन हो और कोई भी हो और डाल्टन ब्रूस के एजेंट हो, बराबर देखो वो लोग को, वो लोग को देख के मूर्ख मत होना। फूल्ड, डोंट बी फूल्ड। जूडास वेंट अबाउट एज वन ऑफ द 12, वैसे जूडास भी वैसे ही कर दिया, 12 लोगों में जूडास भी एक था, साथ में गया वो, वैसा इसीलिए बोलता है ये बेदारी जो है जूडास का साथ में होने वाला बेदारी है। जो 1906 का जो बेदारी था, जूडास भी था, भाई ब्रैनम भी था, दोनों भी था, ये बेदारी में भी यीशु मसीह भी था, जूडास भी था। यीशु मसीह ने भेजा, जूडास भी गया, वैसा इधर भी भाई ब्रैनम ने भेजा, जूडास निकल गया बेदारी के लिए, ये सेवकाई के लिए। भाई ब्रैनम ही जूडास को भेजा, मालूम है जैसा यीशु मसीह ने जूडास को भेजा, इस अंतिम दिन में, इस आखिरी के दिन में, ये जैसा यीशु मसीह 12 लोगों से, मैं बोलता है खास करके जूडास को भी भेजा सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। ये लोग बोलता है हमको ब्रैनम ने भेजा, हमको प्रभु ने भेजा, बोलता है सच्ची बोलता हूं। वो लोग बोलते सही है, क्या जूडास को प्रभु ने ही भेजा? प्रभु ही भेजा, ये लोग को भी प्रभु ही भेजा। मैं बोलता मगर फर्क अभी दिखाता है, प्रभु ही भेजा। अभी मेरा फेरा फेर पे ना, इस संदीप वही हालत है, ब्रैनम भेजना प्रभु भेजना एक ही हिसाब है, क्योंकि मेरा फेरा फेर पे ना, ये बहुत जबरदस्त बात है, ब्रैनम ही भेजा। वो लोग दावा करते हैं, सही दावा है वो, जूडास को भी प्रभु यीशु मसीह भेजा, ये लोग को भी भाई ब्रैनम भेजा और यीशु मसीह भेजने एक ही हिसाब है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऐसा था भाई ब्रैनम का, मनुष्य पुत्र का जैसा मिनिस्ट्री था। वयस बराबर देखो, इधर जूडास को भी भेजा, कौन प्रभु भेजा, ये लोग को भी प्रभु ही भेजा, फरक बाद में देखो, प्रभु ही भेजा। बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार किया, बट ही डिड नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड, मगर उनके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं था। ही डिड हैव ए मिनिस्ट्री, उनके पास सेवकाई था, सही है, ये लोग के पास सेवकाई है, सही है। ही नेवर गॉट टू पेंटेकोस्ट, वो कभी भी पेंटेकोस्ट में नहीं गया, ही वॉज नॉट ए ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड, वो प्रभु का सच्चा बच्चा नहीं था। वो फिर किसका बच्चा था? सातान का बच्चा। वोस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दी, ये जबरदस्त कोर्स को मैंने पढ़ा, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। और इसलिए मेरे फैर भैर बहन, ये जूडास का आप लोग सुना है, चर्चेजस का किताब से मैं पढ़ा, बढ़िया मिनिस्ट्री है, प्रभु ही भेजा, इधर भी वो लोग को प्रभु ही भेजा, वो लोग दावा करते हैं वो भी सही है, गॉड हमको भेज दिया। हाँ जैसा कोलमैन वो वीडियो में देखो सुनो इंग्लिश में, हाँ गॉड कॉल्ड मी एंड कमीशन भी बोलता है, नालायक आदमी, शर्म नहीं है, गॉड मेरे को बुला के कहा कमीशन दिया बोलता है, क्या तरीका है। मगर मेरा प्यारा भाई बहन जूडास
पेंटेकोस्ट को देखेंगे नहीं, नेवर वी विल सी द पेंटेकोस्ट। भाई ब्रैनम इधर आज अभी कभी बातों को बोला, अभी कभी वो आत्मा पेंटेकोस्ट को कभी भी देख नहीं सकते, इसलिए वो लोग टोकन हो गए बोलता है, टोकन को ज्यादा दाम नहीं देता है, टोकन के बारे में बोलता नहीं है, आउटपोरिंग ऑफ द होली गोस्ट के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि वो जुड़ा से ऑब्जर्व करो, कभी वो लोग उसको ज्यादा दाम नहीं देते, ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ज्यादा उसके लिए तड़पता नहीं है। दे आर द जुड़ास, वो लोग के लिए पैसा, पैसा वो लोग के लिए चाहिए, मगर आउटपोरिंग नहीं चाहिए, आउटपोरिंग नहीं चाहिए, इसलिए जुड़ास वो जगह तक आ नहीं सकता है। वॉयस मैं बोलता है जुड़ास वो जगह तक आ नहीं सकता है, मगर मैं बोलता है तभी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, ये लोग सब भाई ब्रैनम का चिन्ह और चमत्कार को देते हुए देखते हुए उधर ही खड़ा हो गए, वो लोग को प्रभु ने भेजा, मगर कभी सेवंथ सील ओपन हो गया, कमिंग ऑफ द लॉर्ड हो गया। ये सब मिनिस्ट्री उधर तक आया नहीं, वो लोग भागा। अभी यीशु मसीह बोले एक्सेप्ट यू ईट द फ्लेश ऑफ द सन ऑफ मैन एंड ड्रिंक हिज ब्लड यू हैव नो पार्ट इन मी। कब तक तुम मनुष्य पुत्र का मांस को नहीं खाते हो और खून को नहीं पीते हो? वो जो मिनिस्ट्री है मांस को खाना, खून को पीना, पूरा रिडेम्पशन को पाना, वो मिनिस्ट्री जो है ओपनिंग ऑफ द सेवंथ सील है, सातवां मोहरा का खुलासा है, मनुष्य पुत्र का आगमन है, द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इन द वॉइस। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वहां पर जुड़ास आ नहीं सकता है, जुड़ास मनुष्य पुत्र का मांस को खाएगा नहीं, जुड़ास जगह खाली किया मालूम है, हाँ, इसलिए वो रोटी को खा नहीं सका, ये मेरा शरीर लेकर के तोड़ के दिया, हाँ इनको खाओ, नहीं खा सका वो, भागा। आखिरी का जो भोजन है, आखिरी का जो चीज है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला इनको नहीं लेगा वो, दिया उसको, खाया नहीं, भागा उधर से। ऐसा ये लोग अपना रंग को दिखाता है, ओपनिंग ऑफ द सेवंथ सील के पास वो लोग कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो प्रभु है, दैट इज द लॉर्ड, वो परमेश्वर है। जुड़ास को उधर जगह नहीं, इसलिए जुड़ास उस तरह वहां तक आ नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र का प्रकाशन है सिर्फ और सिर्फ पत्रोस का जैसा, पत्रोस दाउ आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। मैसेज सुनने के बाद हम लोग भी ऐसे सेवन थंडर को सुनने के बाद हमको मालूम पड़ा ये पत्थर अभी आके खड़ा है हमारे सामने, ये रेवलेशन हमारे सामने आ गया, ये रेवलेशन है। अपॉन दिस रेवलेशन आई विल बिल्ड माई चर्च। जबरदस्त बात है, ये जुड़ास का नहीं है वो, ये अलग कैटेगरी का लोग है, अलग तरीका का लोग है, ये लोग रेवलेशन के लिए खड़ा है, ना पैसा, ना दौलत, ना सोना, ना कुछ भी नहीं है। होने दे, प्रभु का कुछ आशीष मिलेगा, वो लोग रहेगा बस, और वो लोग पैसा के पीछे जाएगा नहीं। पत्रोस पैसा के पीछे गए नहीं, साइमन और कोई भी अरिमतायस, जोसेफ, मैथ्यू, लूक और मार्क और कोई भी पैसा के पीछे भागा नहीं है वो लोग। वो लोग प्रभु के लिए खड़ा था, वो लोग इंतजार किया। वॉयस ये अलग बेदारी है, जैसा भाई ब्रैनम थर्ड सील में बोला द ब्राइड ही स्लीपिंग नाउ डेड नाउ, मरा है उस, क्यों क्या इसका मतलब क्या है? वो कोई बातों को नहीं सुनेगी, वो कोई चीज बेदारी, ये सब चिन्ह और चमत्कार को मरा जैसा है, उसको जीवन नहीं आएगा, मगर सेवन थंडर्स वेक द ब्राइड फॉर द रिवाइवल, सात गर्जना वो प्रभु का आवाज है,
वही सिर्फ और सिर्फ दुल्हन को उठाएगा बेदारी के लिए। वो बेदारी अलग है, ये बेदारी अलग है। ये बेदारी जो है पवित्रात्मा का बाप्तिस्मा, जोशुआ का मिनिस्ट्री का, जैसा जैसा जोशुआ ने चलाया, जैसा जोशुआ जो है टाइप्स द होली गोस्ट, ये अलग है। ये टोकन है, ये हेडस्टोन है, कैपस्टोन है। और मेरे प्यारा भाई बहनों, दी वर्ड है इधर, जुड़ास दी वर्ड के लिए नहीं खड़ा, जुड़ास सिर्फ और सिर्फ खड़ा है पैसा का साथ, थैली का साथ, सोने का साथ खड़ा है, मगर दुल्हन वचन का साथ खड़ी है, रेवलेशन का साथ खड़ी है। ना गिफ्ट और किसी का साथ नहीं, उसको गिफ्ट की जरूरत नहीं है, उनको गिफ्ट को देने वाले की जरूरत है। गिफ्ट को देने वाले इसको चाहिए, वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रिस्क्रिप्शन जुड़ास को तो प्रभु हाथ रख के भेजा, मगर इधर हाथ रखने का नहीं है, इधर हृदय के अंदर आएगा, आपका सोल के अंदर आएगा द बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट, और वो आपको लेकर जाएगा। ये बेदारी बहुत बढ़िया है, ये असली बेदारी। इधर जुड़ास नहीं हो सकता है, जुड़ास इधर नहीं हो, क्योंकि जुड़ास का समय निकल गया, निकल जाता है। वो पैसा लेके गया, पैसा हाथ में लग के गया, अपने आप को खुदकुश कर दिया। ये सब सुसाइडल है, वो यस। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। और इस जगह पर जुड़ास नहीं आ सकता है, इसलिए चर्च एजेस का किताब में साफ साफ बोला, जुड़ास विल नेवर एंड नेवर विल कम टू दैट स्पिरिट, नेवर कम टू रिसीव द पेंटेकोस्टल ब्लेसिंग्स, कभी भी वो नहीं पा सकता है। टोकन उसके लिए नहीं है, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट उसके लिए नहीं है। उसका पहले मेरा प्यार भर बहनों, वही यीशु मसीह सातों मोर के द्वारा आ गया, और अपना चेले लोगों को वो आखिरी का सब पर है, वो टोकन मिलने का पहले का सब पर है। और जुड़ास अपना जगह को खाली करके गया, वो नहीं रह सकता पीटर के साथ, वो एक ही टेबल में पीटर के साथ वो नहीं खा सकते। आज भी ऐसा है, एक ही टेबल में वो पीटर के जैसा लोगों के साथ नहीं खा सकता है, उसका जगह अलग है और पीटर का जगह अलग है। और यीशु मसीह ने बोला, टैरी यू एट जेरूसलेम, जाके जेरूसलेम में इंतजार करो अंटिल यू एंड्यूर्ड विद द पावर फ्रॉम ऑन हाई, सामर्थ्य आने के तक। ये अलग कमीशन है, इसको ये कमीशन को अलग कमीशन बोलता है। ये कमीशन जबरदस्त है, पवित्रात्मा आते हुए आपको लेके जाना। Then you shall be a witnesses unto me in Samaria, Judea and uttermost part of the earth. दुनिया का कोने कोने में तुम लोग मेरा गवाही बनेगा। वो प्रिस्क्रिप्शन है, वो बात है। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। ऐसा तरीका में मेरा प्यारा भाई बहन हो, वयस प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। इधर हम जुड़ास को नहीं देख सकता है, वो लोग का मिनिस्ट्री अलग है, वो लोग कुछ भी करने दो, कुछ भी पा नहीं सकते वो लोग। वो लोग सही बोलता है, हमारे लिए सब कुछ हो गया बोलता है, सही है वो, गलत नहीं। वो लोग के लिए सब कुछ हो गया, जुड़ास भी वही बोला, मेरे लिए सब कुछ हो गया। आखिरी में यीशु आखिरी में वचन को भेज दिया, वो वर्ड को भेज दिया पैसा के लिए। ये लोग पैसे पैसा के लिए वचन को भेजा है लोग। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आइए आप लोग सब उठिए, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड दिस मैसेज, और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है परमेश्वर ये जबरदस्त मैसेज के लिए, जबरदस्त बातों के लिए आपको धन्यवाद करना चाहता है प्रभु। आपको बहुत बड़ा आशीष आपने दिया, ये आशीष हमारे से कोई भी छीन नहीं सकता है। ये आशीष हमको मिलने से प्रभु हम आपका आपका सच्चा बच्चे लोग करके हमको विश्वास है प्रभु। धन्यवाद है परमेश्वर,
जो भी मैसेज मेरे द्वारा आपने प्रचार किया गया उनको और भी आपके बच्चे लोग सुनने के जैसा कर देना, सच्चा प्राण आपके पास आने के जैसा कर देना। होने दे आपका महिमा, आपका गौरव। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर रहा, आमीन। सर्विस डिसमिस हो गया और बाय मिली ना भी खाना गया। Give me burning in the breeze.